इन दिनों देश भर में चर्चाएं जो हैं वो तमाम तरह की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा इस समय है वो है हमारे हथिनी बैराज की। हथिनी बैराज को लेकर सियासत भी गर्म है और खासी लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। आपदा है, प्राकृतिक आपदा हम इसे कह सकते हैं, लेकिन ये जो सियासत है वो उसे प्राकृतिक आपदा न देकर राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली से ये राजनीति चल रही है, वो दिल्ली की बाढ़ धीरे धीरे होते हुए दिल्ली से मथुरा, वृंदावन और आगरा और अब फिरोज़ाबाद की ओर भी आप देख सकते हैं। तो फिरोज़ाबाद के इस समय हम खड़े हैं जिस जगह पर, ये यमुना का घाट है और इस यमुना के घाट पर आप मेरे पीछे इस तरफ देख सकते हैं श्री महाकाल मंदिर है। कहा यह जाता है कि ये जो मंदिर है ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के द्वारा ये स्थापित किया गया था और इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, फिलहाल वो शिवलिंग पूरा डूबा हुआ है, हम आपको उसके दर्शन नहीं इस समय करा पाएंगे क्योंकि शिवलिंग जो है वो पूरी तरीके से जो है जलमग्न हो गया है। यमुना जी शिवलिंग के ऊपर तक आ गई हैं तो शिवलिंग के दर्शन फिलहाल हम आपको नहीं करा सकते, लेकिन ये जो शिवलिंग है ये स्वर्ण रंग का शिवलिंग है और इस शिवलिंग का जो स्थापना थी उस शिवलिंग की स्थापना वो भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वासुदेव जी ने की थी। और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से डूब गई हैं। ये यमुना का घाट है और यमुना के घाट में ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ इसके नीचे आप देखेंगे तो सीढ़ियाँ हैं, मैं आपको उतर कर दिखाता हूँ। ये सीढ़ी है और ये जो सीढ़ी हैं फिलहाल मिट्टी है और मिट्टी में फिसलन भी है, इसलिए नीचे जाना ठीक नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। हालांकि बैरिगेटिंग वहीं पर लगा दिया गया है, लेकिन आप लोगों को सच दिखाने के लिए, तथ्य दिखाने के लिए हम बैरिगेटिंग के पीछे तक आए हैं। नीचे तक आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमुना का जो जल स्तर है वो कितना बढ़ गया है। फिलहाल यमुना का जल स्तर कल से बढ़ा हुआ बताया जा रहा है कि कल जो था यहाँ पर हमें दो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन आज जो है वो एक भी सीढ़ी दिखाई नहीं दे रही है और जो सीढ़ी या सीढ़ियाँ हैं जो वो पूरी तरह से डूब गई हैं। लगभग 10-15 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर और फिलहाल एक भी सीढ़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। आप वहाँ देख सकते हैं कि वो जो खंभे लगे हुए हैं, सोलर पैनल जिन पर लगा हुआ है, वो सोलर पैनल तक ये सीढ़ियाँ जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ होंगी। और उसके बाद में घाट चालू होता है, तो जो घाट है वो पूरी तरीके से डूब गया है। इस तरफ मंदिर है, शिव मंदिर है, वो शिव मंदिर पूरी तरह से डूब गया है। शिव जी के जो शिवलिंग है उसके ऊपर तक पानी चला गया है। शायद अगर हमारे कैमरे में आपकी नज़र गई हो तो शिवलिंग के ऊपर जो भगवान शेषनाग हैं, शेषनाग तक शायद आपको दिख रहे होंगे, बाकी शिवलिंग शायद नहीं दिख रहा है। तट जितने भी हैं वो सभी इस समय जलमग्न हैं और यमुना का जो उफान है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। यमुना का वेग इस समय आप अगर देख पाएँ तो यमुना का वेग, मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी आपको दिखाएं, यमुना का वेग जो है वो बहुत तेज़ है और जिस प्रवाह से यमुना बह रही है, बताया जैसे जा रहा है कि कल भी वहाँ से पानी छोड़ा गया है, तो जब कल दिल्ली से पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ तक पानी आने में लगभग 2-3 दिन का समय लग जाता है, तो कल पानी छोड़ा गया है तो जाहिर है कि कल तक जल स्तर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ऊपर की तरफ भी पानी बढ़ेगा। और यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, पसीना वाले हनुमान जी हैं, तो वहाँ तक फिलहाल पानी के पहुँचने की संभावना है। हालांकि मंदिर के आसपास तक जो है वो का जो आसपास का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। फिलहाल इधर लोग हैं जो देखने के लिए आ रहे हैं, शायद कुछ गांव वाले भी होंगे, कुछ बाहर के भी लोग होंगे, हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? नहीं भैया, हम यहाँ से हैं। कहाँ से हैं, क्या नाम है? मोड़ा से। मोड़ा से आए हैं? हाँ। तो मोड़ा से यहाँ तक आए हैं आप, क्या हाँ। देखने आए हैं? देखने आए हैं कि पानी कितना भरा हुआ है यहाँ पे, पानी देखने के लिए, बाढ़ देखने के लिए आए हैं। क्या देखा आपने बाढ़ में? बाढ़ में क्या, यहाँ तक सीढ़ी थी, यहाँ तक पानी ऊपर आ गया है। कहाँ कहाँ तक थी ये सीढ़ियाँ? ये यहाँ तक है, ये पाइप खड़ा हुआ है यहाँ तक, वो जो पोल खड़ा हुआ है। चलिए, क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम। राजकुमार कहाँ से आए? नगला शेख से आए हम। तो नगला शेख से आए, क्या देखने आए यहाँ पर? यमुना जी देखने आए भैया, ये सुना था यमुना जी बहुत चढ़े आई है मंदिर पे, मंदिर भी भोले भी डूब गए यहाँ पे, यही देखने आए हम तो। अच्छा, तो क्या देखा आपने? हमने देखा था यमुना जी बहुत चढ़ी है, हो सकता है रात में पानी और भी बढ़ सकता है आज भी, और सारी सीढ़ियाँ डूबी रखी है। चलिए चलिए। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? जगदीश। कहाँ से आए? शंकरपुर से। शंकरपुर में पानी है? हाँ पानी है।
कितना पानी है? बहुत पानी है शंकरपुर में अभी। शंकरपुर में भी तो यमुना है ना? हाँ हाँ, तो वहाँ घाट पे पानी है कि अंदर गांव में भी है? गांव में है, मड़ुआ में है। मड़ुआ गांव में है। हाँ। कितना पानी है? बहुत है। घर डूब रहे हैं क्या? हाँ, घर डूब रहे हैं नीचे मड़ुआ में। मड़ुआ में नीचे घर डूब रहे हैं। लगभग कितनी आबादी है वहाँ पे? ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। अच्छा, चलिए। यहाँ क्या देखा आपने? यहाँ भी बहुत यमुना है, यमुना देखने आए थे। पहले कितना था यमुना का? पहले यहाँ पर तो ये सीढ़ियाँ सारी दिख रही थी। हाँ। और फिर दो तीन दिन पहले आए तो ये पूरी लाइट दिख रही थी और ये सीढ़ियाँ। अच्छा, दो तीन दिन पहले भी आए थे आप? हाँ। तब कितना दिख रहा था? पहले भी आधी सीढ़ियाँ दिख रही थी। अच्छा। अब तो पूरा हो गया, दो तीन दिन में पूरा डूब गया है। पूरा डूब गया। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लोगों से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले दो तीन दिन पहले तक जो है वो सीढ़ियाँ दिख रही थी, लेकिन आज एक भी सीढ़ी नहीं दिख रही है। तो पानी का जो स्तर है, यमुना का जो जल स्तर है, वो ऊपर उठा हुआ है और आने वाले समय में एक दो तीन दिन में भी जल स्तर बढ़ने की ही संभावना है, हालांकि कम नहीं होने वाला है। तो फिरोज़ाबाद में भी आप बाढ़ का जो प्रकोप है, यमुना का रौद्र रूप है, वो आप देख सकते हैं। तो फिरोज़ाबाद की ये स्थिति है जो हम आपको दिखाएं कि फिरोज़ाबाद की यमुना की जो स्थिति है, यमुना का जो जल स्तर है वो इस तरह से उफान पर है।